रेडी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस नर्सरी में एस्ट्रोटर्फ की बात की है वो बधाई के पात्र है। मैं मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस नहर के यहां आज शिलान्यास की गई है उससे हजारों किसानों को फायदा होगा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते मेरा अभी 2-3 महीनों का वास्ता पड़ा है हरियाणा और हरियाणा की कांग्रेस पार्टी से। हरियाणा में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ भी विभिन्न जगहों पे गया हूँ और मुख्यमंत्री जी को छोड़ के भी उनके अलावा भी मैं दूसरे दूसरे जगहों पे गया हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं खास जगह तरक्की हुई है, विकास हुआ है, और मैं जाऊंगा तो और अंदाजा होगा। और मेवात में तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि केवल एक विधायक है हमारे मेवात में, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भेदभाव नहीं किया, वहां भी तरक्की का काम करवाया और वैसा तरक्की का काम करवाया जैसा तरक्की का काम वहां पहले कभी नहीं हुआ था। आजकल देश में राज्यों की बड़ी तुलना हो रही है कि ये राज्य सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है, ये राज्य सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकास के मामले में आज अगर किसी एक राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि और तरक्की करे और विकास करे हरियाणा। 705 जो शासक थे उसमें से करीब 442 पंचायत राज लागू किया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार जब 1 रुपया भेजती है हरियाणा उसमें आगे निकलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने फूड सिक्योरिटी बिल हरियाणा में सबसे पहले लागू करने की कोशिश की और वो काम चालू हो चुका। आज जो आजकल होता 2 दिनों की 3 दिनों से जो बात चल रही है आजकल 3-4 दिनों से पार्टी सिरसा फतेहाबाद हिसार में मुझे किसी जिले में एक सभा देते मैं आपको 50,000 से कम भीड़ नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आप दोनों से मोड़ मुख्यमंत्री जरा खड़े होकर एक बार फिर मोड़ लगाते हैं जैसे कार्यवाही करो। मैं इसका एहसान भूल नहीं सकता, कभी किसी को मुझे पता का आ रहा हुआ करके घर बैठ जाते कोई पूछता नहीं। अरे चंद के हाथ रख के मेरा समर्थन दिया कि ये भीड़ ये दिखा रही है कि जितना आपने प्यार दिया उतना ये मेरे साथ मेरी बहुत उसी जगह हरिया में राजकीय बहुत तकनीक संस्थान बनाया जाए। हरिया में राजमंडी में शहर का निर्माण करवाया जाए तथा दुकानों के प्लॉट की बोली करवाई जाए। एक खारिया गांव ने बहुत बड़ा साथ दिया, मैं एक खारिया गांव की बात कह रहा हूँ आपसे। ये खारिया गांव में जहाँ बोल रहे हैं गाँव केरवाला भेड़ा खेड़ा बच्चे ने जनगर बने शहर पार कोठा बड़ी भाइया खाजा खेड़ा में कैनाल पे जनगर का निर्माण कराया जाए। अशोक गौर जी ने और रणजीत सिंह जी ने यहाँ दोनों ने मिलकर एक मांग पत्र दिया हमारे को भाई रणजीत सिंह के द्वारा। उसमें बहुत सारी बातें कही है उन्होंने, भाई बहुत सारे वाटर वर्क्स है उनके लिए कही, रानिया में हुड्डा सेक्टर की बात कही तो हुड्डा सेक्टर हम बनवा देंगे रानिया में। इसी प्रकार से आपका खारिया में अनाज मंडी के शेड के निर्माण की बात कही, भाई यहाँ की मंडी अपग्रेड नहीं है, आप जमीन दे देना क्योंकि वो तो वाटर वर्क्स में दे दिया जो मंडी की जमीन थी, तो यहाँ पर हम उसको सब यार्ड बना देंगे ताकि शेड यहाँ पर बन जाएगा खारिया में। और गांव कहलवा महना खेड़ा बच्चे में जल घर इनकी क्षमता बढ़ाने की बात कही, बहुत सारे गांवों में जो है बूस्टिंग स्टेशन लगवाने की बात कही। तो ये जो बात कहते हैं एक एक मांग नहीं, जो भी ये बात कहते हैं यहाँ के आपके सांसद और भाई रंजीत सिंह जो यहाँ काम कहते हैं तो इनको कहने की देर होती है, काम में देर नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। इसी प्रकार से
या ढाणिया फोर्ट है, ढाणियों में बिजली की बात कही, तो हमने नया जो है ट्रांसफार्मर लेके आए हैं, जल्दी कर देंगे। ढाणियों में भी उतनी ही बिजली मिलेगी जितना मेन गांव में या शहर में मिलती है। उस हिसाब से हम ढाणियों की समस्या और कुछ नहीं दे रहे इसमें कि आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार देगी जो भ्रष्टाचार रहित होगा। किसी भी बेईमान आदमी के लिए इस देश की राजनीति में जगह नहीं होगा। आज जनसभा हुई है, मैंने बहुत जनसभा की है इस इलाके में। मैं पार्टी का अध्यक्ष था जब भी, और मुख्यमंत्री के बाद भी बनने के बाद भी हरियाणा में भी की है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज की जनसभा सबसे ज्यादा कामयाब जनसभा है। और इस बात की बधाई मैं आपके भाई रंजीत सिंह जी को और यहाँ से सांसद तो हमारे भाई अशोक कंवर जी को देता हूँ। इस हल्के के लिए, रानिया हल्के के लिए 90 करोड़ की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया है या मैंने शिलान्यास किया है। और प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत होती तो सिरसा जिले में 1999 से लेकर 2005 तक पूरे जिले पर उनकी सरकार रही तो कितना खर्च हुआ, पूरे जिले पर हुआ 749 करोड़ 27 लाख। और हमारी सरकार बनने के बाद सिरसा जिले में कितना खर्च हुआ, 3,896 करोड़ 13,78,000। इसी प्रकार से रानिया हल्के में उनके समय में 283 करोड़ और हमारे समय में खर्च हो चुका 761 करोड़। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और अभी तो शुरुआत है, हो ही रहा है। तालियों से स्वागत करें आए मेहमानों का, जोर से स्वागत करें तालियों। अपने आए हुए नेताओं के विचार सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पहुंची है, बहुत बहुत जिनका इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच में हैं। और जी ये सभी लोग जो हैं, सुनीलाल जी सभी लोग जो हैं वो आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनको अभिनंदन कर रहे हैं उनका। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने लहर चली है और ये रैली सरसा जिला ही नहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा देगी। और मैं दावा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, नतीजे आपके सामने आएंगे, पांचों की पांचों सीट कांग्रेस। अब मैं आदरणीय शकील अहमद साहब से एक अर्ज करना चाहता हूँ।